5 रुपए का आलू की चिप्स का पैकेट। अब देखते हैं कि 5 रुपए के अंदर हमें कितनी आलू की चिप्स देखने को मिल जाती है। बस तो गाइस 5 रुपए के अंदर हमें सिर्फ इतनी सी चिप्स मिली। बस इतनी सी। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इन पोटैटो चिप्स को घर पे ही बनाने वाले हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि हमें किस में फायदा है, घर पे बनाने में या फिर बाजार से खरीदने में। तू बता। वो तो अभी पता नहीं ना। तो गाइस आप भी वीडियो पूरी देखना, आपको पता पड़ जाएगा क्योंकि आज किस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं पोटैटो चिप्स। गाइस इस प्रोजेक्ट के लिए हम पहाड़ी आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चिप्स बनाने के लिए पहाड़ी आलू सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो ये रहे पहाड़ी आलू पूरे 100 केजी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ चिप्स ही नहीं बल्कि पूरे 5 आइटम बनाएंगे अलग अलग तरीके के इन चिप्स की मदद से। 30 केजी आलू से हम बनाएंगे और बाकी के 30 केजी आलू से हम बनाएंगे वेपर्स और बाकी के 20 केजी आलू से हम बनाएंगे। अभी नहीं बताएंगे गाइस, आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे। तो सबसे पहले बनाते हैं, चलो एक चीज तो बताया, फ्राइज भी बनाएंगे। तो पहले जो है 30 केजी आलू लेते हैं चिप्स के लिए। चलो डालो जल्दी डालो। अब इन 30 केजी आलू से हम वेफर्स बनाएंगे। गाइज ये देखो, ये जो पहाड़ी आलू होते हैं ना, ये लाल कलर के होते हैं इस तरीके के, अपने जो आम आलू होते हैं ना उनसे थोड़े से अलग। इन 20 केजी आलू से हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। गाइज चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका लगभग सेम ही है। सबसे पहले हमें इन आलुओं को धो लेना होगा। चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी आलूओं की छिलाई करनी होगी, यानी कि पिलिंग करनी होगी। चलो जल्दी जल्दी छिलो, देखते हैं कि कौन पहले छिलता है उसको इनाम है, घर पे ले जाने को मिलेगी चिप्स। गाइस यार इस भगोने के अंदर पानी भर लेते हैं क्योंकि हमने अपने सारे आलूओं को छील लिया है। अब हमें इन्हें फ्राइज और चिप्स बनाने के लिए एक बार फिर से धोना पड़ेगा। कचरा फेंकना नहीं। अरे नहीं नहीं भाई क्या कर रहा है। गाइस यार इन चिप्स के ये जो छिलके हैं इन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इनकी मदद से भी एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज बनाएंगे। इस बार जो है इस वाली वीडियो के अंदर हम जीरो वेस्टेज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आलू से जितनी भी चीजें निकलेगी उन सभी का हम इस्तेमाल करेंगे और उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यानी कि जीरो वेस्टेज। दो इनको भी धो लेते हैं। गाइज आपको पता है हम ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं? आप एक बात बताओ यार, आप क्यों कमाते हो? ऑब्वियसली बात है कि भैया खाने के लिए। अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि जो चीज़ आप खा रहे हो वो बनती कैसे। एटलीस्ट इंसान होने के नाते तो अपने को पता होना चाहिए कि जो भी अपन चीज़ें खा रहे हैं वो कैसे बनती है, उनका प्रोसेस क्या होता है, और वो चीज़ें बाजार से खरीदना सही रहता है या फिर घर पे बनाना सही रहता है। इसीलिए हम इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं। चलो सब अपने हाथ ऊपर तक धोने, ऊपर तक जल्दी दो चिप्स बनानी है बहुत सारी। गाइज यार अब जो है इन आलूओं को हमें छाटना होगा। बड़े जो आलू हैं उनसे फ्रेंच फ्राइज बनेंगे और जो छोटे आलू हैं उनसे चिप्स और वेफर्स बनेंगे। तो देखो ये वाले जो साइज के बड़े बड़े आलू हैं इनसे तो बनेंगे फ्रेंच फ्राइज और ये वाले जो छोटे छोटे आलू हैं इनकी बनेगी चिप्स। तो इनकी छटाई करते हैं और कटिंग का काम भी चालू करते हैं। गाइज जो आप दुकान से चिप्स खाते हैं उनको वो डिजाइन देने के लिए इस कटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली आलू लेना होता है और इस तरीके से ये देखो गाइस ये देखो ये बिल्कुल वैसा ही डिजाइन है ना जैसा कि आप चिप्स के पैकेट के अंदर आती है। ये देखो तो ये तो होगी अपनी नॉर्मल चिप्स। और गाइस फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हम सिंपली इस जुगाड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जो है इस तरीके से इसके ऊपर रखो, फिर इसे इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखो और जोर दो, जोर लगा के और ये गाइस आपके सामने फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार। सबसे पहले इस आलू को डालेंगे इस मशीन के अंदर, यूँ फंसा देंगे। अब इसको घुमाना है। ये बन गई हमारी पोटैटो चिप्स वेफर्स। अब
अब जैसे जैसे हमारे चिप्स कटते जा रहे हैं उन्हें हमें पानी के अंदर डालना होगा। ये देखो गाइस कितने प्यारे चिप्स निकल रहे हैं, ये देखो गाइस है ना बिल्कुल वैसे ही डिजाइन जैसा कि पैकेट्स के अंदर होता है। अब इनको पानी के अंदर डाल देते हैं। लास्ट बैच था चिप्स का, इसे भी डाल देते हैं। अब जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो भगोने भर के तैयार है चिप्स के, और तीसरा वाला है फ्रेंच फ्राइज का, और चौथा है इनके छिलकों का। छिलकों को भी हमने पानी के अंदर डाल रखा है, फ्राइज को भी हमने पानी के अंदर डाल रखा है, ये देखो। और इन सभी को हम पूरी रात ऐसे ही छोड़ देंगे पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर, ताकि इनके अंदर का जो स्टार्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ सके और हमारी जो चिप्स है वो और भी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो सके। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए हम अगर किसी भी दूसरी अदर चीज़ों का इस्तेमाल करें तो जो प्रोसेस है वो तेज तो हो सकता है लेकिन फिर ये 100% ऑर्गेनिक नहीं रहेगी, इसीलिए रात भर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो ये रही चिप्स। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार रात भर हमने चिप्स और फ्राइज को ऐसे ही रख दिया था ताकि स्टार्च निकल जाए। अब ये बिल्कुल तैयार हैं चिप्स बनाने के लिए, लेकिन अभी भी हमें जो है इन्हें 2 से 3 बार और वॉश करना होगा। और साथ ही साथ ये जो पानी है गाइस ये भी वेस्टेज नहीं है बल्कि ये भी हमारे काम आएगा। चलो चलो चिप्स निकालो, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। गाइस यार ये जो पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इसको स्टोर करेंगे, कंटेनर के अंदर उठाओ। गाइस अब हम जो है उन सभी चिप्स को पानी के अंदर 1 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं टेस्ट के लिए और क्रिस्प होने के लिए। ये मैंने नमक डाल दिया। अब इसके अंदर सभी चिप्स को लगभग 1 मिनट तक बॉईल करना है, ज्यादा नहीं करना है वरना हलवा बन जाएगा आलू का। लाओ चिप्स लेके आओ। गाइस आई थिंक अब हमारे जो आलू हैं वो चिप्स बनने के लिए तैयार हैं, तो अब इसे गर्म पानी से निकाल के एकदम ठंडे पानी के अंदर डालेंगे। गाइस इसी तरीके से फ्रेंच फ्राइज को भी उबाल लेंगे नमक के पानी में कुछ देर तक। गाइस अब इन फ्राइज को हमें 1 से 2 घंटे तक धूप में सुखाना होगा ताकि इनका सारा पानी सूख जाए। गाइस जो लेज वाली चिप्स है उन्हें भी उबालना पड़ेगा, प्रोसेस लगभग सबका सेम ही है। ले आओ। गाइस यार जब तक हमारी चिप्स और फ्राइज वगैरह सूख रही है हम बाकी के जो 20 केजी आलू बचे हैं उनसे भी नई चीज़ें बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 20 केजी आलू है, इनमें से 10 केजी आलू से हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि आज से 100-200 पहले सालों से हमारे जो पूर्वज है वो करते आ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास ये स्पेशल भट्टी है गाइस, ये देखो। इसके ऊपर रख देते हैं कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हम मिट्टी के अंदर बनाएंगे रोस्टेड पोटैटो। जी हाँ गाइस आलू को रोस्ट करेंगे मिट्टी के अंदर, देखने में भी मजा आएगा और खाने में भी मजा आएगा। चलो गाइस मिट्टी में रोस्ट करने के लिए हम इसमें बुड्ढा डालेंगे, बजरी जैसा ही होता है, बुड्ढा मिट्टी बोलते हैं हमारे इधर तो इसे। गाइस हमारी मिट्टी गर्म हो गई है, अब इन्हें रोस्ट करने के लिए सीधा ही बस इसके अंदर डाल देंगे गर्म मिट्टी के अंदर और इसको हिलाते जाएंगे अच्छे से। ये चीज बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। हिला हिला इसको, हिला जल्दी हिला। ये बहुत ज्यादा गर्म है गाइस अभी। वाह यार देखो अभी बबल्स निकल रहे इसके अंदर से, ये देखो निकाल बोलो निकाल 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 शाबाश शाबाश शाबाश। गाइस आप देख सकते हैं कि इनका छिलका उतरता जा रहा है जैसे जैसे हम हिला रहे। नहीं नहीं गाइस ये पेश है आपके सामने रोस्टेड पोटैटो। अब इसके अंदर मसाला, अबे मसाला खत्म और भूनो भाई, 10 केजी आलू को रोस्ट करना है। अबे मसाला डाल के खाने में और मजा आता है यार, ऐसे ऐसे भी टेस्ट। गाइस जब तक हमारे चिप्स सूख रहे हैं फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं फ्राई करने के लिए, तो चलो भट्टी ऑन करते हैं और फ्रेंच फ्राइज निकालते हैं। गाइस इन्हें फ्राई करने से पहले इसके ऊपर हल्का सा कॉर्न फ्लोर डाल देंगे। गाइस पहले इनको हाफ फ्राई करेंगे उसके बाद में फुल फ्राई, अगर पहली बारी में फुल फ्राई करेंगे तो जल के कोयला हो जाएंगे।
गाइस अब हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है वो हाफ फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें करेंगे हम फुल फ्राई। तो गाइस यार ये तैयार है अब आपके सामने 10 केजी आलू से फ्रेंच फ्राइज। देखो यार कितनी सारी निकल गई है, निकालो अभी तो और भी निकल रही कढ़ाई के अंदर है। इसके अंदर अब हमें मन पसंद का मसाला ऐड करना है और तैयार है फ्रेंच फ्राइज। अब निकालेंगे चिप्स, निकालो सारी निकाल देते हैं। राइस पोटैटो चिप्स इन 3, 2, 1। ये लो गाइस किस तरीके से परफेक्टली ये बॉईल हो रही है, आई मीन फ्राई हो रही है। ये लो गाइस इन्हें एक बार में सीधा ही फ्राई कर सकते हैं। वाह यार मस्त मजा आ गया गाइस, क्वालिटी देखो यार एक नंबर, कोई फिटकरी नहीं डाली है, कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल नॉर्मल रॉ आलू, बस तरीके से धोया है, तरीके से उबाला है और तरीके से बना रहे हैं। गाइस यार वेफर्स को निकालते निकालते इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि हमारी जो ये लेज वाली चिप्स है ये भी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमने यहाँ पे एक और भट्टी लगा दी है, बाबा तेल डालो, तो इसके अंदर जो है वो चिप्स भी एक साथ निकालते हैं ताकि अपना चीजें खराब ना हो, अच्छी और बढ़िया और क्रिस्पी चीजें बने। गाइस अब ये जो पानी है जिसके अंदर अपन ने आलू को धोया था, एक्चुअली इसके अंदर है बहुत ज्यादा स्टार्च, यानी कि इस मिक्सचर की मदद से हम बना सकते हैं एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोडक्ट जिसे कि कहते हैं ऊब्लेक, एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो कि इसके अंदर जो स्टार्च बचा है उससे बनेगा। तो गाइस ये आइडिया काफी सिंपल है, हमने इस पानी को इसी तरीके से सेटल होने के लिए रख दिया है, तो इसके अंदर जितना भी स्टार्च था वो इसके पैंदे के अंदर जमा हो गया होगा। तो ऊपर ऊपर से हम पानी को निकाल देते हैं, फिर हमें मिल जाएगा स्टार्च जिससे बनेगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, एक साइंटिफिक प्रोडक्ट। तो इसके लिए पाइप है, बाल्टी से खाली नहीं कर सकते क्योंकि बाल्टी से करेंगे तो स्टार्च जो है इस पानी के अंदर फिर से मिक्स हो सकता है। गाइस अब इस पानी को जो है इसके अंदर डाल देते हैं। गाइस ये देखो ये जो व्हाइट व्हाइट है ना यही है स्टार्च, बस इसको ऐसे ही अब कुछ देर तक सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। ले 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 जल्दी ले। गाइस आपको याद होगा कि हमने छिलके भी बचा रखे थे, अब आपने तो कभी नहीं खाए होंगे लेकिन मैं आपको बता दूं कि छिलकों की मदद से भी चिप्स बनाई जा सकती है और वो भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। हमारे गाँव में तो भैया काफी सालों से इस चीज को लोग करते आ रहे हैं, अब आपको भी दिखाते हैं कि जो छिलके हैं उनका भी इस्तेमाल करके चिप्स बनाई जा सकती है। और ये जो छिलके भैया इन्हीं के अंदर तो है मेन जो शक्ति और मेन जो माल है वो, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी इन छिलकों के अंदर होते हैं, आलू के अंदर जितने भी होते हैं वो सारे। तो इनको भी इसी तरीके से चुका लेते हैं, सुखा लेते हैं चिप्स की तरह और फिर इन्हें भी फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो है आलूओं को धोना है हमें आलू भुजिया बनाने के लिए। इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है तो देखते रहिए। अरे पानी इधर डाल, इसको धोना भाई, साफ धो लेते आलूओं को। गाइस अब हम इन आलूओं को बॉईल कर लेंगे। गाइस हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, अब इन्हें बाहर निकाल के इनका छिलका उतारते हैं। निकाल 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 छिलका निकाल। गाइस आप देख सकते हैं अच्छे से आलू बॉईल हो चुके हैं हमारे, अब इनको छिलते हैं। अब हमें इन छिले हुए आलूओं को कद्दूकस करना होगा, यानी कि इनको मतलब बारीक पीसना होगा क्योंकि इनसे अपन जो है एक मिक्सचर बनाएंगे जो कि आटे जैसा होगा। गाइस कद्दूकस करने के लिए जर्रे का इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर आलू को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। ये नीचे जो निकल रहा है ये है हमारा कद्दूकस हुआ हुआ आटा। आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिया, ये देखो गाइस क्वालिटी देखो, बिल्कुल ये बारीक हो गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे पूरे 10 केजी बेसन। चलो गाइस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे। गाइस अब इसके अंदर मसाले भी मिक्स करते हैं, सबसे पहले डालते हैं चिली पाउडर यानी लाल मिर्च, गाइस थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, 400 ग्राम नमक डालेंगे। गाइस हम इसमें ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे, आप अपने हिसाब से अगर कभी बनाए तो डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, हल्दी, धनिया, जो भी आपको पसंद है डाल सकते हैं।
बाकी यही डलती है बेसिक चीजें। अब इसको अच्छे से घोल लेंगे। गाइस भुजिया बनाने के लिए हमारे पास ये स्पेशल मशीन है। सबसे पहले इसमें ये जो मसाला है ये डालते हैं, डालो इस तरीके से। अब मशीन को इस तरीके से बंद कर लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाने से इसके नीचे छेद है, ये देखो। और अब सीधा ही तेल में फ्राई करेंगे। गाइस इसके अंदर जो है लंबी लंबी नमकीनें बनती है टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की तरह। गाइस ये लास्ट बैच है, सारी भुजिया निकल चुकी है। भुजिया पतली भी निकाली जा सकती है लेकिन हमें तो ये मोटी वाली पसंद आती है। और इधर देखो पूरी परात भर गई है सिर्फ 10 kg आलू के अंदर। और अभी तो और आएगा माल। ये देखो गाइस कितनी प्यारी नमकीन निकल के सामने आई है। ये देखो गाइस, और कितना ज्यादा इनमें करारापन भी है। देखना आवाज सुनो, ये देखो गाइस ये आखिरी बैच भी कंप्लीट, भुजिया बन के तैयार। ये भी डाल दो, चलो। ओ भाई पहाड़ लग गया पूरा यार, बहुत भारी है। चलो तो गाइस यार फाइनली हमने 100 kg आलू की मदद से बना दी है इतनी सारी चीजें। गाइस यार यहाँ पे रोस्टेड पोटेटो है, यहाँ पे वेफर्स है, यहाँ पे नमकीन है, यहाँ पे लेज और अंकल चिप्स वाली चिप्स है, और यहाँ पे छिलकों की भी हमने चिप्स बना दी, और यहाँ पे हमने फ्राइज भी बना दिए हैं। 10 kg आलू की मदद से हमने रोस्टेड पोटेटो बनाए। ये तो अभी अभी हमने रोस्ट किए हैं और अभी भी ये बहुत ज्यादा गर्म है। इनको जल्दी खाना होगा वरना इनका टेस्ट खत्म हो जाएगा। 10 kg से थोड़ा कम है क्योंकि आधे तो हम जो है बनाते टाइम ही खा गए। ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं तो इनको फोड़ लेंगे, इनके अंदर मसाला डालेंगे और फिर इनको खा लेंगे। 30 kg आलू की मदद से हमने बनाई है ये वेफर्स। अब आप देख सकते हैं कि 30 kg आलू के अंदर ही हमने कितनी सारी वेफर्स बना दी है। भैया ये जो वेफर्स है ना एक महीने तक भी हमसे खत्म नहीं होगी। गाइस यार यकीन नहीं होता कि सिर्फ 10 किलो आलू का इस्तेमाल करके हम इतनी सारी नमकीन बना सकते हैं। बाकी 30 kg आलू की मदद से हमने बनाई है ये चिप्स जो कि लेज और अंकल चिप्स के अंदर आती है। बाकी इनका साइज देखो गाइस यार कितनी बड़ी बड़ी ये चिप्स है। बाकी वो जो 5 रुपए की थैली खरीदी थी उसके अंदर तो बस इतनी सी चिप्स आई थी, इतनी भी नहीं आई होगी, और वो भी इतनी बड़ी और इतनी अच्छी नहीं थी। और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, मतलब हमने खुद इसे अच्छे तेल की मदद से, अच्छे आलू की मदद से और अच्छे हाइजेनिक वे के अंदर बनाया। तो भैया इसका तो मजा अलग ही है। तो डेफिनेटली इसके अंदर तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया बाजार से खरीदने की बजाय खुद बनाना ज्यादा मुनाफे का सौदा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो चीज हमें फ्री में ही मिल गई। ये आलू के छिलके थे जिन्हें की हमने फ्राई किया, मसाला ऐड किया, और ये बन गए टेस्टी टेस्टी आलू के छिलकों के चिप्स। जी हाँ गाइस, साथ ही साथ 20 kg आलू की मदद से हमने बनाई है ये फ्राइज। आधी तो हम जो है इसके अंदर से खा चुके हैं, अब इतनी सी बची है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 100 kg आलू की मदद से हमने इतनी सारी चीजें बना दी हैं, और यकीनन देख के ही आपको पता पड़ जाएगा कि भैया ये सौदा मुनाफे का सौदा है। बाकी गाइज यार 100 kg आलू की कीमत थी सिर्फ 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए के आलू के अंदर इतनी सारी चीजें बनाई जा सकती है घर पे। गाइज लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, उसको भी पूरा करते हैं। गाइज यार लगभग 2 दिन वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आलूओं से हमने स्टार्च निकाला था वो नीचे पेंदे के ऊपर जमा हो गया। ये देखो गाइज, अब क्या करते हैं इस ऊपर वाले पानी को भी निकाल लेते हैं और स्टार्च को अलग निकाल लेते हैं। निकालो, इसका सारा पानी खाली कर दो, धीरे से, नीचे हिलना नीचे होना, फिर से मिक्स होने लग जाएगा। तो गाइस यार ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जिसे कि हमने 100 kg आलू से निकाला है। और ये जो चीज है साइंस की दुनिया में ये बहुत ही ज्यादा नायाब, यूनिक और जादुई है, क्योंकि भैया ये जो चीज है ना तो ये सॉलिड है ना ही लिक्विड है, ये इन दोनों का कॉम्बो है। यानी कि जब तक आप इसके साथ में प्यार से पेश आओगे तो ये लिक्विड की तरह परफॉर्म करेगा, जैसे ही आपने गुस्सा दिखाया तो ये पत्थर हो जाएगा। जी हाँ गाइस, तो ये है पोटैटो स्टार्च से बना हुआ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। गाइस ये सच में बहुत कमाल की चीज है। देखो अगर मैं इस पे प्रेशर डालता हूं तो ये देखो किस तरीके से पत्थर की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे ही इस पे अपन फोर्स हटा देते हैं ये देखो किस तरीके से ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। ये देखो गाइस है ना कमाल की चीज, जैसे ही मैं इस पे प्रेशर डाल रहा हूँ ये पत्थर बन जा रहा है, और इवन मैं इसकी बॉल भी बना सकता हूँ अगर मैं इस पे प्रेशर डालता रहूंगा। तो ये देखो गाइस मैंने इसकी बॉल बना दी, ये देखो, और जैसे ही मैं इसको ढीला छोड़ूंगा तब देखना ये देखो, और जैसे ही मैं फिर से प्रेशर दिया ये देखो ये एक तरीके से पत्थर बन गया। ये देखो बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, बस हल्का हल्का जैसे जैसे इसके अंदर से पानी खत्म होता जा रहा है ये सूखता जा रहा है। ये देखना एक बार और करते गाइस, 1 2 नहीं है ठीक है गाइस, इस बार देखते हैं कि किस रफ्तार से जो है ये
ये लिक्विड नीचे आता है, एक दो तीन रखे रखते हैं। गाइज अभी भी नहीं आ रही है, देखो गाइज गिर बिल्कुल भी नहीं रहा, बाकी ये देखो क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है इस वजह से देखो ये गिर नहीं रहा। नीचे से देखो गाइज और टेबल पे देखो जैसे जैसे ये गिरता जा रहा है लिक्विड बन रही है देखो, क्योंकि गाइज ग्रेविटी भी इसके ऊपर अपना फोर्स लगा रही है तो ये पत्थर की तरह रिएक्ट कर रही है देखो, और जैसे जैसे ये गिरता जा रहा है बिल्कुल लिक्विड बन रही है देखो। गाइज अब ये फैल रहा है, इसको वापस थाली के अंदर भरते हैं और ये बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। ये देखो गाइज इसको पत्थर की तरह, ये देखो पानी है पत्थर, जल्दी जल्दी भरते बहुत मुश्किल है गाइज इसको संभालना। ये देखो क्योंकि मैं इसको जैसे इस पे प्रेशर डाल रहा हूँ इसको पकड़ने के लिए पत्थर बन रहा है, ये देखो ये ले। गाइस यार ये था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो इसे खेलने में बहुत मजा आता है, ये देखो एक दो तीन। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। आई होप हमने जो 100 केजी पटाटो से ये सारी चीज़ें बनाई है ये आपको पसंद आई होगी। लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।